किया था, देव हमने कितने अकाउंट्स बनाए थे बेटा, मतलब कितने अकाउंट्स को वेरीफाई कर लिया था हमने? एक कैश हो गया था, एक कैपिटल हो गया था, और एक शायद बैंक हो गया था स्टूडेंट्स। आई एम करेक्ट और नॉट? यस सर, यस तीन सर, हो गए थे ना बेटा। अब यस कैश हो गया सर, था, कैपिटल हो गया था, बैंक हो गया था। अब स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को परचेज का अमाउंट बताता हूँ, डायरेक्ट बैलेंस बताऊंगा बेटा, मैं सबका मैं डायरेक्ट बैलेंस बताता जाऊंगा बेटा। परचेज में 85,000 आएगा क्रेडिट में बेटा, बाय बैलेंस सीएफ 85,000, करेक्ट है बेटा? यस सर, यस सर, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर में क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड 11,500। यस सर, फिर अजमल फर्नीचर मार्ट डेबिट में टू बैलेंस सीएफ 11,500। यस यस सर, सर, उसके बाद कनु भाई में डेबिट टू बैलेंस सीएफ 8,000। यस सर, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड में क्रेडिट बाय बैलेंस सीएफ 300। फिर यस सर, राजू भाई में डेबिट टू बैलेंस सीएफ 7,800। यस सर, फिर उसके बाद सेल्स में डेबिट टू बैलेंस सीएफ 90,000। यस यस सर, सर, फिर रमेश भाई में क्रेडिट बाय बैलेंस सीएफ 75,000। यस सर, एंड उसके बाद सैलरी में बाय बैलेंस सीएफ 6,200। यस सर, ओके, किसके सारे करेक्ट है बेटा? सर मेरे ओके, यश के सारे करेक्ट हैं, आयुष के सारे करेक्ट हैं, सर मेरे अश्विनी के सारे करेक्ट हैं, जील के सारे करेक्ट हैं, आर्यन के सारे करेक्ट हैं, और किसके करेक्ट है बेटा सारे? सर मेरे ओके, देव के सारे करेक्ट है, वेरी गुड। सर हाँ, पार्थ पार्थ सारे करेक्ट है बेटा, यस सर, ग्रेट। कनिष्का कितने में मिस्टेक हुई है कनिष्का? सर एक में हुई है किस में बेटा, कौन से वाले में? तो मैं बताऊं, सर, ये राजू भाई वाला है ना उसमें। हाँ देखो बेटा, भाई राजू भाई वाला एक बार सब लोग देख लो बेटा, मुझे था ही डाउट कि राजू भाई वाला किसी न किसी का तो गलत होगा ही होगा, बट नो प्रॉब्लम स्टूडेंट, गलत जाना कोई खराब नहीं है बेटा, गलती से ही हम लोग सीखते हैं, तो गलत जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। कुछ आपका कौन सा गलत हुआ है बेटा? कुछ कुछ आपका कौन सा गलत हुआ है बेटा? राहुल आपका कौन सा गलत हुआ? राहुल राहुल आपका कौन सा गलत हुआ बेटा? राजवी आपका कौन सा गलत हुआ बेटा? सर, यस बेटा, सर मिस्टेक को अंदर लो ना वो। सर एक मिनट, तो ये अलग नाम से मिस्टी एंटर हो रही है। आ गई मिस्टी, आ गई मिस्टी। चलो स्टूडेंट्स, अब राजू भाई वाली पहले एक बार एंट्री देख लेते हैं बेटा। ये मैंने हेडिंग दे दिया राजू भाई, ध्यान से देखना बेटा। एंट्री क्या थी अपनी? अगेंस्ट द रिसीवेबल ऑफ 7,800 फ्रॉम राजू भाई, चेक रिसीव्ड 7,500 फॉर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट 7,500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 300 टू राजू भाई 7,800, ये आपकी एंट्री थी बेटा। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, टू राजू भाई है बेटा, कनिष्का टू राजू भाई है, तो किस तरफ जाना चाहिए बेटा? क्रेडिट साइड, यस, क्रेडिट में जाना चाहिए बेटा। डेट में लिखेंगे राजू भाई की डेट है 5, 5 में लिखेंगे बेटा। अब 7,800 है बेटा,
हम पर्टिकुलर में ना उसके ऑपोजिट वाला लिखते हैं। अब ऑपोजिट में दो है बेटा, बैंक है और डिस्काउंट अलाउड है, तो क्या करेंगे, बाय बैंक अकाउंट 7500 बाय डिस्काउंट अलाउड 300। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? सर यस सर। यस यस बोलो बेटा। अच्छा आपने तो बोला था कि जो एंट्री है उसके सामने की अमाउंट लिखने की। देखो 7800 टोटल अमाउंट है बेटा, राजू भाई का अकाउंट 7800 से सेटल हुआ, लेकिन कैसे सेटल हुआ, 7500 चेक से आया और डिस्काउंट अलाउड आया 300। आप इन दोनों का टोटल करो बेटा, 7800 आ गया ना, 10800। हाँ तो ये इसमें क्या है बेटा, राजू भाई क्रेडिट है 7800, लेकिन उसके ऑपोजिट में जो पर्टिकुलर है वो दो है, तो हमको दोनों यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। क्लियर हो बेटा? मैं जैसे कैपिटल हो और कैपिटल में सपोज कैश और फर्नीचर दोनों, सपोज एंट्री हो कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो टू कैपिटल मतलब क्रेडिट में, लेकिन पर्टिकुलर दो ऑपोजिट है, तो बाय कैश और बाय फर्नीचर ऐसा लिखेंगे, तो दोनों की अमाउंट लिखने, दोनों की अमाउंट लिखने। क्लियर बेटा? सबको क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? सर यस मिस्ट्री बोलो बेटा। सर आपने क्या लिखा 3000 300, वो दिख नहीं रहा है। बाय बैंक अकाउंट 7500 एंड बाय डिस्काउंट अलाउड 300। डन है बेटा? अब इसका टोटल करेंगे। यस सर। टोटल कैसे होगा बेटा, 7800 डेट में 30 टू बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड 7800, वो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट डेट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7800। ओके बेटा, कनिष्का क्लियर हो गया बेटा? कनिष्का यस सर। स्टूडेंट्स अब किसी का राजू भाई के अलावा अगर कोई गलत पढ़ा हो बेटा तो प्लीज मुझसे पूछ लो। ग्रेट, चलो कंप्लीट करो बेटा, तो नेक्स्ट सम दू आप लोगों को। स्टूडेंट्स ये 12 मार्क का सम है बेटा, ये 12 मार्क का सम हमारा जाना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया बेटा ये सबका? यस सर। अब स्टूडेंट्स बेटा मैंने आप लोगों को ना क्वेश्चन नंबर 6 का पिक भेजा है, उसकी जनरल एंट्रीज आप लोग अभी करेंगे बेटा, मैं जनरल एंट्रीज वेरीफाई कराऊंगा, उसके लेजर्स आपके पूरे होमवर्क में है, ट्यूजडे को इसके लेजर्स मैं वेरीफाई कराऊंगा बेटा, तो पहले आप लोग इसकी एंट्रीज करो, चलो फटाफट बेटा। राहुल शुक्ला कैन यू हियर मी? राहुल शुक्ला, राहुल शुक्ला सर। यस पार्थ बोलो बेटा। सर जैसे अभी आपने बोला ट्यूसडे को आप वो लेजर का सॉल्व कराएंगे, तो जैसे आज आपने कराया वैसे ही कराएंगे? हाँ वैसे ही बैलेंस चेक कराऊंगा बेटा। ओके सर ठीक है, तो डाउट जिसका भी होगा ना बेटा, अगर किसी का कोई गलत पड़ा होगा तो मैं उसी टाइम पे सॉल्व करवा दूंगा बेटा। ओके चलो स्टूडेंट्स फटाफट एंट्री शुरू करो बेटा, जल्दी एंट्रीज का आंसर आप लोग ही देंगे बेटा, मैं नहीं बताऊंगा, एंट्रीज का आंसर आप लोगों को ही देना है।
बेटा पहले सब लोग एंट्री कर लेंगे, फिर मैं एक साथ सभी एंट्रियां वेरीफाई कराऊंगा बेटा। सर यस बेटा सर सेकंड वाला पता नहीं चला। गुड्स ऑफ 36,000 आर सोल्ड टू धवल स्टोर्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फॉर दिस। धवल स्टोर्स हैज पेड कैश 15,000। सिंपल है बेटा ये तो। हर्षनी जन एंट्रीज भूल गए हो बेटा? सर क्वेश्चन पता नहीं चला मुझे। 36,000 के गुड्स हम लोगों ने 10% टीडी पे सेल किए हैं बेटा। 3600 माइनस करेंगे तो आएगा 32,400। कितने के गुड्स सेल्स हुए और उन्होंने हमको 15,000 रुपया कैसे दिया है बेटा? कैश दिया है। कैश आया 15,000 रुपया और बाकी 17,400 हमको धवल स्टोर से लेना है। तो कैश अकाउंट डेबिट 15,000, डबल स्टोर्स अकाउंट डेबिट 17,400 टू सेल्स 32,400। सिंपल। हर्षिनी टेन एंट्रीज फिर से करो। सर ये टेक्स्ट बुक का थोड़ी लैंग्वेज है ना, वो ऐसी है ना, इसलिए मुझे क्वेश्चन पता नहीं चलता। समझना पड़े हमको बेटा, समझना पड़े हमको। Yes, जो प्रैक्टिकली जब प्रैक्टिकली इन सब चीजों को करेंगे बेटा तो वहां पे लैंग्वेज हमको हर तरीके से उसको समझना पड़ेगा। यस मिष्टी बोलो बेटा क्या डाउट है? सर अर्चनी ने बोला टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में तो प्रॉब्लम होता है। हाँ मैं वही बोल रही थी। नहीं बेटा वो समझना पड़े ना, प्रैक्टिकल जब आप लोग बेटा अकाउंट्स करोगे आगे जाके फ्यूचर में तो वहां पे वो तो कुछ भी लिख के देंगे बेटा। वो लॉजिक हमको समझना है कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है। Okay. जल्दी जल्दी करो बेटा अभी।
स्टूडेंट्स एंट्रीज हो गई बेटा। सर यस अश्विनी सर डेट 10 में ऐसा लिखा है गुड्स ऑफ 6600 आर परचेस फ्रॉम अनिल ट्रेडर्स एंड टुवर्ड्स दिस पेमेंट ऑफ रुपीस 2600 इज मेड इन कैश फुल एंट्री आप ट्राई करो तो अरे करो अश्विनी ट्राई करो गलती होगी ना बेटा और क्या होगा तो सर भाई वो पूछ रही थी कि इसमें फिर कुछ सी अमाउंट लिखने की आप एंट्री बताओ पहले तो कैश टू परचेस हम गुड्स परचेस करते हैं तो कैश आता है बेटा अपने पास नहीं जाता है क्या कर रहे हो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश परचेस अकाउंट डेबिट 6600 टू कैश 2600 एंड टू अनिल ट्रेडर्स 4000 क्योंकि चार सेम एंट्री बेटा जैसे ये वाली थी सर 12th में हम दो बनाए तो चलेगा दो ही बनाओ बेटा वो ज्यादा बेटर है दो ही बनाओ अर्शनी ध्यान दो बेटा जन एंट्री रिवाइज करो बेटा सारी ऐसा तो गड़बड़ करोगे बेटा आप स्टूडेंट्स किसका किसका कंप्लीट हुआ है बेटा जन एंट्रीज सर कंप्लीट सर मेरा हो गया यश का हो गया देव का हो गया आर्यन का हो गया तीन और किसका हुआ है और किसका हुआ है बेटा मानुष का हो गया है स्टूडेंट जिनका बाकी है जल्दी करो बेटा कुश आप फिर से ज्वाइन कर सकते हैं बेटा कुश फिर से ज्वाइन करो सर डन ओके बेटा दो मिनट
सर अभी आपने कुछ बताया था? नहीं बस बेटा अभी वेरीफाई करा रहा हूँ। हाँ वो मैं बाहर निकल गया था। हाँ नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। स्टूडेंट जिनका बाकी है जल्दी करो बेटा। याना मेरी आवाज आ रही है बेटा? याना याना आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा मेरे को, पता नहीं क्यों। मे बी नेटवर्क इश्यू है याना का। बेटा वेरीफाई कराओ स्टूडेंट्स। याना चैट बॉक्स में लिख दो ना बेटा अगर आपका सम हो गया हो तो। स्टूडेंट्स जिसका बाकी हो बेटा एक बार मुझे फोन अनम्यूट करके बताओ ना किसका बाकी है बेटा फटाफट। सर थोड़ा सा मतलब 12th वाले पे आया हूँ सर। ठीक है जल्दी करो जल्दी बेटा। याना मेरी आवाज आ रही है आपको? याना याना स्टूडेंट जी सैमसंग S9 कौन है बेटा? स्टूडेंट सैमसंग S9 किसका है बेटा? पार्थ शुरू करो बेटा। यस सर। भाई स्टूडेंट्स अभी भी किसी की एंट्रीज बाकी बेटा? चलो आर्यन फर्स्ट एंट्री बताओ बेटा फर्स्ट डेट। यस सर। कैश अकाउंट डेबिट फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट 40,000 फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैपिटल अकाउंट 60,000। उसके बाद सेकेंड डेट की एंट्री तो मैंने ही बताई कैश अकाउंट डेबिट 15,000 डबल अकाउंट डेबिट 17,400 टू सेल्स 32,400। थर्ड डेट 18,000 इज डिपोजिटेड इन बैंक। आयुष एंट्री ट्राई करो बेटा। यस सर। सर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 18,000। परफेक्ट बेटा। नेक्स्ट है गुड्स ऑफ 20,000 आर परचेज एट 12% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम धारा स्टोर्स। फॉर दिस अ चेक ऑफ 8,000 इज गिवन। देव एंट्री ट्राई करो बेटा। यस सर। परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैंक अकाउंट 8,000 टू धारा स्टोर 9,600।
बेटा परचेज में डेबिट कितना आया? मिनट 17,600. ओके, परचेज अकाउंट डेबिट 17,600 टू बैंक अकाउंट 8,000 टू धारा स्टोर्स 9,600. नेक्स्ट विड्रॉन फ्रॉम बैंक रुपीज 5,000 फॉर ऑफिस एक्सपेंस एंड 4,000 फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस. बैंक में से पैसा निकला है. हर्षनी एंट्री ट्राई करो बेटा. सर ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 5,000, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 4,000 टू बैंक 9,000. बेटा ऑफिस एक्सपेंस की जगह पे कैश अकाउंट डेबिट आएगा. कैश अकाउंट डेबिट क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये लॉजिक समझाया हुआ है बेटा कि हम लोग जब ऑफिस एक्सपेंस के लिए पैसा विड्रॉ करते हैं ना, तो अभी तक हमने ऑफिस एक्सपेंस पे नहीं किया है, फिलहाल हमारे पास कैश ही आया है, तो हम लोग वहां पे कैश ही लिखेंगे. स्टूडेंट्स मैं एंट्री फिर से बोल रहा हूँ बेटा. फिफ्थ नंबर कैश अकाउंट डेबिट 5,000, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 4,000 टू कैश 9,000. सर टू बैंक, बैंक में से विड्रॉ किया, सॉरी टू बैंक 9,000. सॉरी स्टूडेंट्स फिर से कैश अकाउंट डेबिट 5,000, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 4,000 टू बैंक 9,000. नाउ ऑफिस एक्सपेंस पेड रुपीज 2,200. कनिष्का ट्राई करो बेटा. कनिष्का कनिष्का एंट्री ट्राई करो बेटा इसकी. ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 2,200. अगेंस्ट द ड्यूज ऑफ 4,830 पेड 4,800 इन कैश फॉर फाइनल सेटलमेंट टू जयेश भाई. हमको 4,830 रुपए जयेश भाई को देना था और उसके सामने हमने उनको 4,800 रुपए कैश दिया है. माही एंट्री ट्राई करो बेटा. माही एंट्री ट्राई करो. जयेश भाई अकाउंट डेबिटेड टू कैश. नहीं, जयेश भाई अकाउंट डेबिटेड 4,830 टू कैश 4,800 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 30 रुपीज, क्योंकि हमने 30 रुपीज उनको कम दिया बेटा, तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड में जाएगा. सर लेकिन डिस्काउंट तो नहीं लिखना ना. अलाउंस लिखो ना बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है. डिस्काउंट रिसीव्ड लिखो या अलाउंस लिखो बेटा, वन एंड द सेम थिंग है. वो ट्रेड डिस्काउंट बेटा, ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखते हैं. ट्रेड डिस्काउंट के अलावा जो भी डिस्काउंट होता है वो सब लिखा जाता है. ओके. तुम लोग बेटा सब लोग जर्नल एंट्रीज रिवाइज करो, भूल गए हो तुम लोग सब जर्नल एंट्रीयां. ड्यू टू फायर इन गोडाउन गुड्स ऑफ 3200 इज बर्नड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी हैज एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ 2600. मिष्टी एंट्री ट्राई करो बेटा. मिष्टी यस सर. सर ड्यू टू फायर. हाँ बेटा बोलो बोलो. बोलो बेटा एंट्री नंबर 9 बोलो. मिताली आप ट्राई करो बेटा. यस मिताली एंट्री नंबर 9 ट्राई करो बेटा. लॉस ड्यू टू फायर. सर यस मिस्टी बोलो. हेलो सर. हाँ मिस्टी बोलो बेटा बोलो. मिस्टी को मेरी आवाज नहीं जा रही. मिताली आप बोलो बेटा, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी लेक्चर खत्म होने वाला है. लॉस ड्यू टू फायर. हाँ आगे आगे बेटा. टू परचेज अकाउंट. गलत. पार्थ आप ट्राई करो बेटा. सर लॉस ड्यू टू फायर. स्टूडेंट्स आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, इतनी सारी जनरल एंट्रीज की प्रैक्टिस कराने के बावजूद भी आप लोगों की जनरल एंट्री आज करेक्ट नहीं जा रही है बेटा. मैंने पूरा एक महीना जनरल एंट्रीज के पीछे वेस्ट किया बेटा, तो हम लोगों ने क्या किया पूरा एक महीना.
पूरा एक महीना हम लोगों ने जन एंट्री की प्रैक्टिस की है बेटा, आप लोगों को समझ में आ रही है ये बात? एक महीने का इंपॉर्टेंस पता चलता है बेटा आप लोगों को? एक महीना पूरा जन एंट्री को देने के बाद आज आप लोगों को जन एंट्रीज में प्रॉब्लम हो रही है? राजवी आप बोलो एंट्री। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड 2600, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड 600, टू परचेस अकाउंट 3200। बेटा पेरेंट्स के पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हो तुम लोग? लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स इतना सारा पैसा खर्चा कर रहे हैं तो उसका वर्थ तो दो कम से कम उनको। एंट्री नंबर 10 जी ला बोलो बेटा। यस सर। परचेज अकाउंट डेबिटेड 6000, टू कैश अकाउंट 2600, टू अनिल ट्रेडर्स 4000। परचेज अकाउंट डेबिट 6600, परचेज अकाउंट डेबिट 6600, टू कैश 2600, टू अनिल ट्रेडर्स 4000। नेक्स्ट, पेड रुपीज 4800 फॉर शॉप रेंट एंड 6000 फॉर हाउस रेंट। दोनों की अलग अलग एंट्री करनी है। ये शॉप रेंट की एंट्री बोलो पहले। शॉप रेंट अकाउंट डेबिटेड 4800 टू कैश अकाउंट 4800। आयुष 6000 हाउस रेंट की एंट्री बोलो। सर ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट एंड टू कैश अकाउंट 6000। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश 6000। Paid rupees 4000 to Anil Traders by check. Dev entry bolo. Sir, Anil Traders account debit 4000 to bank account 4000. ठीक है। अब students, इनके जितने भी accounts हैं, वो सारे के सारे accounts आप लोग बना के मुझे मंडे शाम तक भेज देंगे। मंडे इवनिंग 7 o'clock तक मेरे को आप सबके accounts बने हुए मुझे मिल जाने चाहिए। इनका वेरिफिकेशन में ट्यूसडे कराऊंगा। जिनके अकाउंट्स मुझे नहीं मिले मैं उनको ट्यूसडे के लेक्चर में बैठने नहीं दूंगा। और स्टूडेंट्स मैं जिन जिन के नाम अभी भेज रहा हूं वो लोग जन एंट्री रिवाइज करो बेटा, नहीं तो मुझे आपके पेरेंट्स को बुला के और क्लियर बोल देना पड़ेगा कि आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। टेक केयर ऑफ इट। मंडे शाम 7 बजे तक मुझे सारे अकाउंट्स का होमवर्क चाहिए। बाय बाय।